हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजिली कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, ड्यू के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो सोल के हैं, चाहे वो NCVAP के हैं, चाहे वो रेगुलर के हैं, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनका भी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कि बिल्कुल ही आप लोगों के लिए नया पैटर्न था। जी हाँ, बिल्कुल नया पैटर्न था 2022 का आप लोगों का, UGF का मतलब न्यू पैटर्न रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिया, उनमें एब्सेंट दिखा रहा है, या फिर जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो बहुत सारे एरर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये कि उन लोगों ने असेसमेंट तो दिया है बट उसके मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, कभी थ्योरी के मार्क्स नहीं दिख रहे। और बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि उस केस में वो लोग तैयारी कैसे करें, उन लोगों को क्या गलतियां हुई हैं एग्जाम्स के अंदर जिनकी वजह से उनको फेल कर दिया गया। मतलब ये जो बिल्कुल न्यू सेमेस्टर हुआ था, मतलब पहला सेमेस्टर हुआ था ये, चाहे वो BA वाले हैं चाहे वो BCOM वाले हैं, ये सारे स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि कॉमन वीडियोस मैंने अपलोड किया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए थे, उनके कमेंट्स आए थे बच्चों के, बहुत सारा प्यार मिला था, उन्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैं जिन्होंने इस अपना जो ट्रस्ट है इस चैनल पर दिखाया है। सो सबसे पहले बात करूंगी सेमेस्टर फर्स्ट की, कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जो बच्चे पास हो गए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, उनका CGPA बहुत अच्छा है, उन लोगों को मैं आगे के लिए ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ। तैयारी करते रहना और पूरा सेमेस्टर विदाउट री आगे क्लियर कर लेना। बट जो बच्चों को पास नहीं किया, ये जो वीडियो है बेसिकली उन्हें के लिए बनाया जा रहा है कि पास नहीं किया आप लोगों को, फेल क्यों कर दिया, रीजंस बताऊंगी पहले। 5 से 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से सोल हो गया, NCVAP हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को फेल किया है। और अगर वो पॉइंट्स नहीं हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप अपना पेपर खुलवाएं, उसको चेक कराएं, अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो फिर देखेंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या स्टेप्स रहे हैं जो आपसे गलतियां हुई हैं। सबसे पहले आपने प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं लिखा, वो आपने नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा, आप सोचोगे कि मैम हमने तो पूरा आंसर लिखा था और यहां तक कि हमने तो इतने सारे पेज भरे थे, तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, पेज भरने से बात नहीं बनेगी, आपके आंसर की वेटेज भी चेक होती है कि आपका प्रॉपर आंसर मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल लॉ का पेपर है, वहां पे एक क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी गई हैं और आपने सिर्फ एक का आंसर किया है और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि उसमें आपको पूरे मार्क्स मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को एग्जाम्स आने वाले थे उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मुझे नहीं लगता आपने ये गलतियां की होंगी, राइट। बट प्रॉपर आंसर उनको नहीं मिला, आपके प्रोफेसर्स को। उसके बाद आता है नंबर 2 जो गलती है, आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं थी, आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं थी, मतलब आपने जो मेन पॉइंट्स है वो नहीं लिखे, पैराग्राफ में आंसर लिखते चले गए। कभी हो सकता है आपने कुछ लाइनें पैराग्राफ में लिखी हों, उसके बाद आपने फिर सीधा पॉइंट्स में आप आंसर लिखने लग गए हों, आपने पॉइंट्स को हाईलाइट ना किया हो, ठीक है, अगर आपने पॉइंट्स लिखे भी हैं तो वो किसी दूसरे आंसर के लिख दिया, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं थी, जो कि जो एग्जामिनर है उन्होंने देखा आपके पेपर में तो उन्होंने पूरा आंसर या तो काट दिया है या फिर थोड़े बहुत नंबर दिए, 2-4 ऐसे करके हर किसी में नंबर दे दिए। या फिर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है क्वेश्चन स्किप करने की, कि आपने क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाए जल्द से जल्द कि फेल क्यों करा गया, तो मैं रीजंस बता रही हूं। और बहुत बच्चे तो ऐसे भी थे, उनके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जिसमें वो पढ़ के गए थे उसमें वो फेल हो गए बट जिसमें वो पढ़ के नहीं गए उसमें पास हो गए। तो देखो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी का पेपर, हर कोई अलग, जो टीचर्स हैं वो चेक कर रहे हैं, प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, हर किसी का चेक करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो आप इस चीज को मत सोचे कि बिना पढ़े वाली चीज पे हम पास हो गए, ये बस एक अलग सी एक चीज है कि आप लोगों को बस पास कर दिया, ठीक है।
अब उसमें कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, पास कर दिया तो अच्छी बात है, बट आप लोग रिस्क ना लें अगली बार से। क्वेश्चन जो स्किप करने वाली गलती है, मैंने पहले से ही समझाया था, खाली का कुछ नहीं मिलता, जीरो अंडा मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, ये बात मान के चलो, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन स्किप करा होगा और साथ ही साथ कुछ कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत छोटी होगी, क्लियर नहीं होगी, इस तरीके की गलतियां वहां हुई हैं जो कि एग्जामिनर को पसंद बिल्कुल नहीं आई हैं, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हुई हैं। और जो फिफ्थ है वो ये है कि हम डर गए थे कुछ पेपर से जो हम पेपर ही देने नहीं गए थे। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम हमें कुछ बच्चों ने अकाउंट्स का पेपर नहीं दिया और वो डर गए थे कि अकाउंट्स में तैयारी नहीं है, आता तो कुछ है नहीं, फेल तो होना ही है, इससे अच्छा हम अगली बार दे देंगे। देखो ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है पेपर बहुत ईजी आ जाता है, या फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ अगर आप लिख कर आते तो एटलीस्ट आपको दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा, राइट। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि मतलब ये गलती हुई होगी कहीं ना कहीं आप लोगों की, कि आप लोगों ने अपना जो एग्जाम है वो ही छोड़ दिया, पूरा एग्जाम ही स्किप कर दिया, जो सबसे बड़ी गलती थी, जो कि अगली बार से प्लीज मत करना। ये रिक्वेस्ट है मेरी साइड से कि गलती मत करना, कभी कभी पेपर बहुत ईजी आ जाता है, या फिर मतलब टीचर भी हेल्प कर देता है आप लोगों के एग्जाम में, कभी कभी हो जाता है, या स्टूडेंट कोई आपकी हेल्प कर देता है, आप लोग पास हो जाते हैं, तो इस तरीके की गलतियां आपकी कहीं ना कहीं रही होंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है फेल कर दिया गया है, राइट। अब बात ये आती है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो असेसमेंट हुआ था, ठीक है, असेसमेंट, तो असेसमेंट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असेसमेंट नहीं दिया था, और अगर दिया था तो सबमिट नहीं हुआ, या फिर गलत सलत आंसर किए थे, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से भी आप लोगों को हो सकता है फेल करा गया होगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स रहे होंगे कहीं ना कहीं, अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर इनमें से आपके कोई भी पॉइंट्स नहीं है, अगर आप लोगों के प्रॉपर आंसर भी थे, प्रेजेंटेशन थी, क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया, हैंडराइटिंग भी क्लियर थी, एग्जाम भी स्किप नहीं किया, असेसमेंट भी आप लोगों ने पूरा का पूरा दिया है और बिल्कुल सही दिया है, और आपको लगता है कि आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थे, सब कुछ सही था, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी अपने एग्जाम्स को जो है वो रीचेकिंग के लिए डालें, रीचेकिंग के लिए जरूर से जरूर डालें। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन किस तरीके से आप लोग करा सकते हैं, फायदा है या नुकसान है क्या है, बट आप लोग रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि रीचेकिंग नहीं डालना है, दोबारा से पेपर देना है, नंबर अच्छे खासे बढ़ाने हैं, तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, कि जब भी आप लोग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, यानी कि अभी आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर भी हो चुका है जो डीयू वाले हैं, और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी उन लोगों ने, और स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए। तो जो भी अभी जो जिसमें री आई है, एक में, दो में, तीन में, जितने में भी आई है, तैयारी करना आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका एक भी पेपर सेमेस्टर वन का भी लटका हुआ होगा, और बाकी सारे आगे के क्लियर है तो भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। मैं फिर बोल रही हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर अकाउंट्स में फेल हो तो वन शॉट देखो, डेली प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चंस करो, उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी, प्रैक्टिस कौन सी बुक से करनी चाहिए क्या, सबके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वैसे तो प्लेलिस्ट में बनी पड़ी है बहुत सारी, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयारी करो, एग्जाम आपका आराम से पास हो जाएगा, और ये गलतियां आपको फिर से नहीं करनी है अपने एग्जाम्स के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे। और जो बच्चे यहाँ पे जो गलतियां कर देते हैं कि भगवान की लाइंस लिख देते हैं आंसर पूरा करने के लिए, पेज भरने के लिए, ये सब कहने वाली बातें हैं, पेज ठीक है कहीं ना कहीं देखा भी जाता, बट इतना भी नहीं देखा जाता कि आपने आंसर भी कुछ गलत लिख दिया हो और पेज भर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको बस ध्यान इन्हीं बातों पे देना है कि कोई भी रामायण वगैरह नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, प्रैक्टिस करो, पास हो जाओगे आराम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।